रायपुर के दक्षिण उपचुनाव के बारे में। जी हां, रायपुर दक्षिण की यदि बात करें तो उपचुनाव के लिए हलचलें हर दिन तेज हो रही हैं। दोनों ही प्रत्याशी हर दिन जनसंपर्क कर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। आखिर किसकी क्या रणनीति है, किसने कैसे बिछाई है बिसात, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण के दंगल में महारथी उतर चुके हैं। भाजपा के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा मैदान में दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने जहां केंद्र और राज्य सरकार के कामों को प्रचार अभियान के केंद्र में रखा है, वहीं बृजमोहन के चेहरे और सुनील सोनी के कामों को भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए शनिवार को बड़े सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को नौवीं बार रायपुर दक्षिण में कमल खिलाने की अपील की। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी कार्यकर्ताओं से भावनात्मक अंदाज में साथ देने की अपील करते भी नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने जहां अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है, वहीं पार्टी अब रणनीतिक मोर्चे पर दिग्गजों को झोंकने की तैयारी करती नजर आ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को तेजी से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, रायपुर के विकास के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आज कांग्रेस अपनी ठोस रणनीति के साथ इस चुनाव मैदान में उतर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस चुनाव में जीत मिलेगी। ये अपना सपने देखने का काम है, सपने देखते रहेगी, उनको उस सपने में कभी इनको सफलता नहीं मिलनी है। दक्षिण के दंगल में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के पास जहां बृजमोहन का चेहरा और सरकार के कामों के हथियार है, वहीं कांग्रेस युवा प्रत्याशी के दम पर जनता को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, यह तो 23 नवंबर को परिणाम के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हर दिन दक्षिण का दंगल दिलचस्प जरूर होता चला जा रहा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।